हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगले कुछ घंटों में आपके इस रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। और यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आपको भी डिप्रेशन में रखते हैं, खुद भी डिप्रेस रहते हैं, और जैसे कि स्ट्रेंथ नहीं बना पाते आपके पास आने के लिए, जो कि गुस्सा बेवजह करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, और जो कि बेवजह के झगड़े आपके इस रिश्ते में चल रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है वो भी रिमूव नहीं हो रहे, आपका ये रिश्ता जो है कि नहीं, मतलब हील नहीं हो रहा है, तो यस आपको रिलेशनशिप हीलिंग के लिए ब्रेसलेट ट्राई करने चाहिए, जो कि आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेसलेट भी लेने हैं आपको सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो देखते क्या निकल के आता है, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स इनके इस रिश्ते में अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते में अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे, एट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का दिल करने वाला है आपके लिए एक्शन लेने का, बात करने का, ठीक है। आपके पार्टनर दिल से इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के बारे में सोचेंगे, आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे, और जैसे कि एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे, या आपसे मतलब कि शादी करने के बारे में सोचेंगे, रीयूनियन करना है, बात करनी है। हो सकता है कि कहीं पर गए हैं, किसी के शादी में गए हैं, या तो आप गए हैं, और या तो आप किसी शादी फंक्शन में गए हो, ऐसा हो सकता है। किसी का बर्थडे भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन पार्टीज आपने अटेंड करी है, या तो आपके पार्टनर गए हैं, ठीक है। लेकिन यस, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पे, आपके पार्टनर दिल से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जो कि प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहते हैं, इनको लगता है कि बात करनी है, एक्शन लेना है, लेकिन पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, या आपसे दिल से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। आप देखो यहाँ पे फोर ऑफ फैंड्स और सिक्स ऑफ फैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है, जो कि शायद कुछ अचीव किया है, कुछ गुड न्यूज़ है इनके पास जो आपको बताना चाहते हैं, और जो कि अपने आपको बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे हैं, मतलब कि बात करनी है मुझे, लेकिन अगर ये बात करते हैं ना तो शायद आप इनको लेके लड़ाई के मूड में हो, ऐसा इनको लगेगा, ठीक है। दिल बहुत करेगा बात करने का, ओवरथिंकिंग बहुत करेंगे, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपके केयरिंग कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और इनको अच्छे से पता है अगर ये बात करते तो सबसे पहले सवाल आप क्या पूछने वाले हो, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, ना तो इनके सक्सेस के बारे में पूछा जाएगा, ना तो तूने क्या पाया है और तू इतना खुश क्यों है, ये सारी बातें कुछ पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो कि थर्ड पार्टी ये बातें आप चलाओगे, इनको अच्छे से पता है। तो इनका क्या है, अगले कुछ घंटों में दिल बहुत करेगा बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन जो कि आपकी वजह से, और जो कि आप जो हमेशा थर्ड पार्टीज के ऊपर अटके रहते हैं, इन बातों की वजह से आपके पार्टनर जो कि हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत किया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, और जो कि शायद वो पर्सन भी आपको, ये लोग भी आपको यही बता रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा ही है, अच्छा नहीं है, सेल्फिश है, और जो कि वो कभी नहीं आने वाला है, वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, तू क्यों उसका इंतज़ार कर रही है, तेरे साथ कभी जस्टिस नहीं होने वाला है। ये लोग आपको कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसी एनर्जीज महसूस हो रही कि वो आपके और देखना ही नहीं चाहते, और जैसे कि अपने किंगडम में वो खुश है, अपने महल में, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत खुश है, आपको ऐसा किसी के ज़रिए बताया जा रहा है, और जो कि आप तड़प रहे हो बहुत ज़्यादा जस्टिस के लिए, इस तरह की एनर्जी अगले कुछ घंटों में होने वाली है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के बाद ही जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो गलत किया है, अगर उसको सही करना है तो इनको जैसे कि थर्ड पार्टी को निकालना है, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। इनका फोकस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हो, जो कि उसी के बाद जस्टिस है,
तो यस, इनको भी अच्छे से पता है इस थर्ड पार्टी को मुझे निकालना है, इसके लिए भी मुझे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और जो कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ जस्टिस तो करना है, ठीक है। इसलिए पहला ही कार्ड है, इनको वर्क करना है, इनको वर्क करना है आपके इस रिलेशनशिप के रीयूनियन को लेके। इस तरह से तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ, और जो कि क्या डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, इनको आपकी तरफ से लड़ाई की एनर्जीज आ रही, गुस्से की एनर्जीज आ रही है, इसी वजह से आपसे बात नहीं करते हैं, या आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करने के बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, और जो कि इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए प्लानिंग बनाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने का, और जो कि आप भी अगले कुछ घंटों में ये सोचने वाले हो कि काश मैंने, पता नहीं, हो सकता है कि आपको कोई और भी ऑफर कर रहा है, कोई और आपको लाइक कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आप उनका कब नहीं स्वीकार करना चाहते हो, जो कि आप अपने पार्टनर को कुछ कॉल मैसेज करके रखे हो, तो ये पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। आपको जो कि दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन चाहिए, ठीक है, चाहे जो है, लेकिन शादी तो इन्हीं से करनी है। इंतज़ार कर रहे हो आप, जो कि इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होगा ऐसा आपको फील भी हो रहा है, और इसी वजह से जो कि चाहे जो हो जाए, हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कई और, मतलब कि शादी करने के लिए, किसी और के साथ मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आप नहीं देखना चाहते किसी के भी और, आपको इसी रिश्ते में जस्टिस चाहिए, और जो कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में दूसरे रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आपके इस रिश्ते में कोई मतलब थर्ड पार्टी इश्यूज है, इनके घर वाले आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो यस, अगले कुछ घंटों में डेफिनेटली आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहेंगे, अपने घर वालों को मारने की कोशिश भी करेंगे। ये जो यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि फायर एनर्जी को शो करता है, और बॉटम में एस ऑफ वैंड्स आया है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको यही बताने के लिए आ रहे कि यस, मैंने जैसे कि घर वालों को भी मना लिया है, तेरा इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है, और कि बहुत जल्दी हम दोनों एक साथ होने वाले हैं। यही गुड न्यूज़ है इनके पास, जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी आप इनकी तरफ से एक्शन देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर अगले कुछ घंटों में सोचेंगे, अगले कुछ घंटों में इनकी तरफ से आपको कुछ मूवमेंट आ जाएगा। अगर आपने इनको कॉल मैसेज करके रखा है तो उसका रिप्लाई आ जाएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो शायद आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे या 8 दिन लग सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने में, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद भी इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, और ये खुद ही बहुत जल्दी आपके साथ जैसे कि रीयूनियन करने के लिए प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, यही है, अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर यही सोचने वाले हैं कि कैसे क्या कुछ किया जा सकता है इस थर्ड पार्टी का, और कैसे आपके साथ जस्टिस किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके बारे में ओवर थिंकिंग रहेगी, और जो कि थर्ड पार्टी को क्या कर सकता हूँ इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, इसी के ऊपर फोकस रहेगा। आपके पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, नंबर 666444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के अगले कुछ घंटों की एनर्जीज हैं। हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। फाइंड बैलेंस फ्लो हेल्पलेस एंड होपलेस, पॉजिटिव रहो और जो कि फ्लो के साथ जाने दो, खुद कुछ भी मत करो, ठीक है। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस ओवर थिंकिंग से भी बचो, और जो भी यूनिवर्स में भरोसा रखो, ठीक है, छोड़ दो, खुद होकर कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।